चलिए, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा रिचार्ज प्लान्स है कितना परसेंट बढ़ा है, जो एयरटेल वोडाफोन और ये जियो ने प्लान्स बढ़ाए हैं कितना परसेंटेज का बढ़ाया है, जो 3 जुलाई से बढ़ चुका था। वीडियो में रिलेट है तो आज वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, और प्लान्स कितने के होने वाले हैं ये सारी डिटेल जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ, जो जियो का रिचार्ज का परसेंटेज बढ़ा है वो है 12%, 12 से 27% तक रिचार्ज बढ़ा है जियो का। प्लस एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने भी 15% बढ़ाया है। यहाँ पर मेटा AI का यूज़ करके मैं सारी जानकारी निकाल रहा हूँ, बट मेटा AI ने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम इसकी एक वेबसाइट पर जाते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है एयरटेल में। तो एयरटेल में जो है बढ़ा है 15% तक रिचार्ज के प्लान्स बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो 15% जो एयरटेल ने बढ़ा दिया। उसके बाद बात करें VI का, तो VI ने भी अपना 20% जो है रिचार्ज प्लान्स बढ़ा दिया है। डायरेक्ट 20%, इसका कोई भी परसेंट नहीं है भाई, 20% जो है रिचार्ज VI ने बढ़ा दिया है। ठीक है भाई, जियो ने 15 से 27% और एयरटेल ने 15% और वोडाफोन ने जो 20%। अब प्लस यहाँ पे BSNL की बात करें तो BSNL ने भी 18 से 20% के प्लान्स जो है बढ़ा दिए हैं। BSNL ने भी बढ़ाए हैं। ठीक है, अब बात करें कि भाई हम रिचार्ज के प्लान्स क्या होने वाले, जो पहले 199, 239 का वो करता था अब क्या है। तो सबसे पहले बता दूं भाई, ये एक मैक्स पे एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। ये एक रिचार्ज वाली एप्लीकेशन है जहाँ पे आप रिचार्ज करके कमीशन कमा सकते हो। किसी का भी रिचार्ज कीजिए, आपको कमीशन हर रिचार्ज में मिलेगा। तो आप डाउनलोड करना चाहो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम प्रीपेड पे आते हैं और हम यहाँ पे जियो का नंबर डालते हैं, और जियो का नंबर डाल के देखते हैं कि भाई रिचार्ज प्लान्स क्या होने वाला। तो नंबर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हम वी प्लान्स पे क्लिक करते हैं, और वी प्लान्स पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा पॉपुलर रिचार्ज हुआ करता था 239 का, अब वो हो चुका है 249 का। वैलिडिटी वही रहेगी 28 दिन। यहाँ पे जो MB मिलती थी हमें 1.5 GB, अब मिलने वाली है 1 GB। जो 1.5 GB मिलते थे वो 1 GB हो गया, और जो 1.5 GB अगर आपको चाहिए तो आपको 299 का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आपको 1.5 GB MB मिलेगी पर डे प्लस 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। 1 मंथ वाला भी प्लान आ चुका है जो कि है 319 रुपये का, जिसमें 1.5 GB मिलेगा 1 महीने के लिए। 349 का रिचार्ज कराते हो तो आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB पर डे मिलेगा। 399 के रिचार्ज में आपको मिलता है 2.5 GB 28 दिन के लिए, जो कि 50 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है हर प्लान्स में, छोटे प्लान्स में, बड़े प्लान्स में और भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे हम एयरटेल का नंबर डालते हैं और वी प्लान्स पे क्लिक करते हैं। वी प्लान्स पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं वहाँ पे जो कि हमारा पॉपुलर रिचार्ज हुआ करता था एयरटेल का। एयरटेल के सबसे पहले प्लान्स में आते हैं जो कि आता है 199 रुपये का रिचार्ज है, जहाँ पे आपको 2 GB डाटा मिलता है 28 दिन की वैलिडिटी के साथ, ओनली 2 GB। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा प्लान करना चाहते हो 249 का रिचार्ज आता है आपको 24 दिन के वैलिडिटी के साथ साथ, आपको 1 GB पर डे देखने को मिलता है। 299 का रिचार्ज कराते हो, अगर आप सोचते हो कि भाई 1.5 GB मिलेगा तो भाई आप गलत हो, आपको 1 GB पर डे मिलेगा सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। अगर आप 349 का रिचार्ज कराते हो तो आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ साथ। अगर आप 509 का रिचार्ज कराते हो तो आपको 84 दिन की वैलिडिटी तो मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको 6 GB डेटा मिलेगा बस 84 दिन। 589 के रिचार्ज में आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है, और यहाँ पे आपको 1.5 GB पर डे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हर छोटे प्लान्स में 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जो कि हमारे जेब काफ़ी हल्का करने वाला है। यहाँ पे BSNL के प्लान्स की बात करें तो BSNL के प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। यहाँ पे 187 रुपये का रिचार्ज करते हो तो आपको 2 GB पर डे मिलेगा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे। 199 का रिचार्ज मिलता है 2 GB पर डे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ। 247 में मिलता है आपको 50 GB डेटा 30 दिन अनलिमिटेड के कॉलिंग के साथ, और 298 के रिचार्ज में मिलता है आपको 1 GB पर डे 52 डेज की वैलिडिटी के साथ साथ। 347 के रिचार्ज मिलता है 2 GB पर डे 56 दिन की वैलिडिटी के साथ। 397 के रिचार्ज मिलता है 2 GB डाटा 180 दिन के साथ।